नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लखनऊ में। आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं मित्रों। तो दोस्तों, कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है साथियों। आइए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं इस वीडियो में। तो मित्रों, आप यहां पे देख सकते हैं आज की ताज़ा खबर है, कानपुर यूनिवर्सिटी की बैक पेपर की जगह अब होगी इम्प्रूवमेंट परीक्षा। यहाँ पर देख सकते हैं कानपुर की खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र साहू जी महाराज विश्वविद्यालय और संबंध महाविद्यालयों के लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की समस्या को देखते हुए बैक पेपर परीक्षा खत्म करके इम्प्रूवमेंट परीक्षा शुरू करने का फैसला लिया है। बता दें कि अगर इम्प्रूवमेंट परीक्षा में छात्र के अंक पूर्व में आए अंक से कम होंगे तो अधिक अंक वाले अंक को ही रिजल्ट में ही मान्य होगा मान्य किया जाएगा, जबकि बैक पेपर परीक्षा में यह सुविधा नहीं थी। छात्रों को बैक पेपर में जो अंक मिलते थे वही रिजल्ट में चढ़ जाते थे। इसमें कई बार छात्रों को नुकसान भी होता था, मतलब पहली परीक्षा में छात्र के अंक अधिक रहते थे लेकिन बैक पेपर परीक्षा में कम अंक और यहाँ पे देख मिलने पर रिजल्ट में कम अंक ही चढ़ जाते थे। शुक्रवार को परीक्षा समिति की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने की। रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि इसका फायदा विश्वविद्यालय के करीब 10 लाख छात्रों को मिलेगा। इस नए सत्र से लागू करने पर सहमति बनी और साथ ही साथ यहां पर देख सकते हैं 3 साल के अंदर बीएड और एमएड न कर पाने वाले सत्र 2015-17 के सैकड़ों छात्रों को भी परीक्षा समिति ने राहत दी है। ऐसे छात्र जो एक विषय में फेल हो गए थे वे 10 मई से आयोजित होने वाला बैक पेपर दे सकते हैं। परीक्षा समिति ने इस पर भी सहमति दे दी है मित्रों। तो आज की यही खबर थी मित्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुक्रिया। थैंक यू।